मैं बाहर निकला तो देखा कि बारिश हो रही है और वो भी बहुत तेज, तो जल्दी से आया, फिर रेनकोट की जरूरत पड़ गई तो अभी रेनकोट ले लिया हूँ, चलता हूँ। क्या बारिश हो रही है, मोबाइल को कैसे पकड़ूँ, क्या अच्छा लग रहा है मौसम, क्वालिटी भी अच्छी आ रही है। ऐसे ही चलता हूँ मैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, घर में पक रहा है तो आगे दिखाता हूँ। दोस्तों बारिश होना रुकना बंद नहीं हुआ है और मैं पहुँच गया हूँ कैफे एरिया में। लग गया है कि अभी इधर बारिश का पानी अंदर नहीं आएगा, पहले अंदर आ जाएगा, यहाँ पे भरा रहता था पानी, यहाँ पे आ जाता था अंदर, तो अभी नहीं आएगा, ये अच्छा हो गया। कल इसके लिए मैकेनिक आया था, तो भी करते हैं, वो करके गए हैं। एंड नाउ अपनी ड्यूटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलते ऑफिस नीचे। दोस्तों आपको एक बार बारिश का व्यू दिखाते हैं, कैसा बारिश, बारिश के साथ हवा क्या चल रही है, तो ठंडा नहीं लग रहा। आपने यूपी में क्या होता है, अगर इतना हवा चलता है, इतना बारिश होता है तो उधर ठंडा लगने लगता है, बट इधर ठंडा नहीं लगता, ठंडी महसूस नहीं होती है कितनी भी बारिश हो, अच्छा लग रहा है। फिर वही डेली लाइफ का डेली रूटीन, ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ एंड आज तो अच्छा लग रहा है, इधर से बारिश का पानी नहीं आएगा, मस्त लग रहा है, आप देख सकते हैं, बढ़िया लग रहा है, अच्छा है ये चीज़। और फिर जो लाइटिंग आता है ना वो भी अच्छा लगता है, मस्त है। तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ एंड देन फिर कुछ ना कुछ दिखाता हूँ आपको, कुछ एंटरटेनमेंट जैसा कुछ फील नहीं हो रहा है एक्चुअली, इसलिए वो एंटरटेनमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, करता हूँ आगे चल के आज के ब्लॉग में कुछ अच्छा करूँगा। दोस्तों एक चीज़ तो है कि जो अभी हमारे चैनल पे एंगेजमेंट दिखाई दे रही है, जो रीच आ रही है, वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जब से गोवा आया हूँ तो कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं किया था इस चैनल पे, और आई थिंक 1 साल हो गया प्योरली कि मैंने कंटेंट अपलोड नहीं किया है। मेरे को लगा कि चैनल फ्रीज हो सकता है या फिर हो गया होगा, मतलब इतना एक्सपेक्ट तो किया ही नहीं था कि इस तरीके की रीच आएगी, अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, 10 AM पे डेली व्लॉग आ रहा है, 10 AM पे डेली व्लॉग आता रहेगा।